सो हेलो गाइस, कैसे हैं? फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए फिर से एक मज़ेदार वीडियो। तो हम आज बनाने वाले हैं बोटल बम। तो हम आज बोटल बम बनाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले कि क्या होता है। तो हमने ले लिए हैं 250 ml का प्लास्टिक की छोटी सी बोटल, जो कि हम छोटे बोटल पर पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद बड़े बोटल पर देखेंगे ट्राई करके। और दूसरा हमने ले लिया है सोडियम मेटल, जो कि आप लोगों को तो काफ़ी टाइम से देख रहे वीडियो मेरा तो पता ही होगा आपको। तो हम आज इस पर बनाने वाले हैं बोटल बम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने वीडियो रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पास छोटा सा बोटल हमने ले लिया है, हमारे पास सोडियम मेटल भी है और हमने चाकू भी ले लिए, और ये धागा है जो कि हम इससे सोडियम मेटल को बांधने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बोतल में इतना सा पानी डालेंगे, पूरा फुल नहीं करेंगे, इतना सा भी हम पानी डालते हैं। उसके बाद हम सोडियम मेटल को ऐसा बांधेंगे और डिप करके यहाँ पे रखेंगे, जो कि पानी में डिप नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोतल को इस तरह से गिराएंगे ना, तो ऑटोमेटिक सोडियम मेटल में वो पानी जाएगा, उसके बाद ब्लास्ट होएगा। तो चलिए इसको हम करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पहले, तो इसको हम पानी डाल देते हैं। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमने कुछ इतना पानी डाल दिए हैं, जो कि यहाँ पे हमारा सोडियम मेटल हम रहेगा। जैसे हम इसको बोतल को गिराएंगे, उसके बाद हमारा ये बोतल फटेगा। तो इसको हम थोड़ा ढक्कन लगा देते हैं और इस बोतल को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको यानी हटा देते हैं। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक सोडियम मेटल निकालेंगे, काफ़ी टाइट है, खुल भी नहीं रहा है, खुल गया। तो अब गाइस देख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरह का दिखता, बाहर नहीं आ रहा जल्दी। तो गाइस काफ़ी बड़ा बड़ा साइज है ना, कि जो कि बाहर नहीं आ रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। हाँ आ गया। तो गाइस आप देख सकते हैं सोडियम मेटल कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है वहीं पे ये भी पाया जाता है, और काफ़ी ख़तरनाक होता है, पानी के संपर्क में आने पे ब्लास्ट होता है। तो हम इसको एक ले लेते हैं और इसको ढक्कन लगा के इसको साइड में कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम चाकू से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट मार देते हैं, जिससे कि मेरा जो धागा है वो यहाँ पे प्रॉपर फंस जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कटिंग कर दिए, और अभी हम धागा ले लेते हैं, जिससे कि हम अच्छे तरह इसको हम बांध सकें। तो गाइस हम इसको अभी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मजबूत रहता है तो बनता नहीं जल्दी, तो इसको हम बांधने का कोशिश कर देते हैं। तो फाइनली गाइस स्लिप कर रहा बहुत ज़्यादा, फिर भी हम इस पर ट्राई करते हैं बांधने का, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड रहता है उससे इसके ऊपर बांधने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं बांधने का। तो गाइस हमने फाइनली आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से इसको बांध दिए, और जैसे इसके अंदर डीप होगा बोतल हम गिराएंगे तो ब्लास्ट होगा। तो इसको हम पूरा अंदर नहीं रखेंगे, इसको हम खोलेंगे और इसको हम
हल्का सा, ओ तेरी ये तो बहुत बड़ा हो गया है, ये तो जा ही नहीं रहा है, इसको अब छोटा करना पड़ेगा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा कटिंग कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब ये नहीं जा रहा है तो छोटा ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हमने इसको छोटा पीस करके उसके बाद फिर से हम इसमें ट्राई करते हैं कि हमारा जा रहा है क्या। हाँ तो अभी हमारा ये काम कर रहा है, तो गाइस हमने फाइनली इसको हमने बांध दिया है और यहाँ से हमको भागना बहुत ज़रूरी पड़ गया क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। तो गाइस और फाइनली हमने देखिए कि मैंने बोतल में डाल के सोडियम मेटल को बांध दिया, अभी हम बोतल को गिराते हैं, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो गाइस हम बोतल को गिरा देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो गाइस देखा आपने कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ। तो गाइस फाइनली आपने देखा कितना खतरनाक आवाज आया। तो गाइस फाइनली आपने देखा कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ, कितना खतरनाक आवाज आया था, काफ़ी ख़तरनाक था, जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे भी खतरनाक रिएक्शन आया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, जय हिंद।